अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। वर्ल्ड T20 के दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तानी टीम ठंडी पड़ गई, बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम, जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेट से शिकस्त दे दी। चोलिस्तान में अवाम मफलूकुल हाल, वजीर के लिए इन्वाइट शाम के खाने, इकबाल चनड़ कैमरे को देखकर मटन सब्जी बिरयानी और देसी घी की चूरी खाना भूल गए। लापता अफराद का मुकदमा दर्ज कराने के लिए वजीर दिफा ने इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दे दी, एक सूबेदार समेत 7 अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया। शिकारपुर में जरगे का खवातीन के कत्ल को जायज करार देने का गैर कानूनी फैसला, MNA गौस बख्श महर समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। न्यूयॉर्क टाइम्स की शरंगेजी, पाकिस्तान को फिर बदनाम करने की साजिश, मुशर्रफ ने उसामा बिन लादेन के तहफ्फुज़ के लिए ISI में डेस्क कायम किया था, अमरीकी अखबार का इल्जाम, खबर में कोई सच्चाई नहीं, अस्करी जराये ने तरदीद कर दी। तालिबान से मुज़ाकरात, फौज जनूबी वज़ीरिस्तान से नहीं निकलेगी, फौज पर हमले की सूरत में सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएंगी, बातचीत के लिए FR बनू हुकूमत की पहली तरजीह बरकरार। लियारी में पहली बार FIA का गैस चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई, चोरी किए गए सैकड़ों मीटर बरामद। और मलेशिया के लापता तैयारे के पायलट के घर पर छापा, डेगो गार्शिया में अमरीकी अड्डे के नक्शे पकड़े गए, ज़ाहरी अहमद शाह ने ये नक्शे एक महीना पहले जाया कर दिए थे।